हेलो एवरीवन, आज हम सी के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, स्ट्रक्चर, जो कि सी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. ओके, सबसे पहले समझते हैं स्ट्रक्चर है क्या. स्ट्रक्चर बेसिकली हम यूज़ करते हैं मल्टीपल डेटा टाइप की वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए एक प्रोग्राम में. आपने से पहले स्ट्रिंग देखा था, स्ट्रिंग में हम सिमिलर टाइप ऑफ डेटा स्टोर करते थे. ओके, एरे देखा था. यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्ट्रक्चर के थ्रू आप मल्टीपल एट्रीब्यूट्स की वैल्यू को एक जगह पर स्टोर कर सकते हैं जिनके डेटा टाइप अलग अलग हो सकते हैं. ओके, इसीलिए स्ट्रक्चर को कलेक्शन ऑफ हेट्रोजीनियस टाइप ऑफ डेटा कहते हैं, क्योंकि ये अलग अलग टाइप के डेटा को एक जगह पर स्टोर करता है. ओके, और ये हमें डिफरेंट डेटा टाइप की वैल्यू को एक जगह पर स्टोर करने की फैसिलिटी के साथ साथ ये आपको और वर्सेटैलिटी प्रोवाइड करता है, जिससे कि आप अपने प्रोग्राम को और बेटर बना सकते हैं बाय यूजिंग मल्टीपल डेटा. आप बहुत सारे डेटा को स्टोर करके प्रोग्राम को और बेटर बना सकते हैं. स्ट्रक्चर का यूज करने के लिए हम स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं. ओके, ये स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज होता है. इसका सिंटेक्स स्ट्रक्ट स्ट्रक्चर नेम, ये एम्प्लॉय यहाँ पे दिया हुआ है स्ट्रक्चर का नाम, इंट आईडी, कैर नेम एंड फ्लोट सैलरी. यहाँ पे देखिए, मैंने एक ही स्ट्रक्चर की एक बॉडी के अंदर मैंने तीन अलग अलग डेटा टाइप्स लिए हुए हैं, इंटीजर, स्ट्रिंग एंड फ्लोट. ओके, और स्ट्रक्चर को यूज करने के लिए आपको स्ट्रक्चर के अंदर जो वैल्यू होती है, जो डेटा टाइप होंगे उनको यूज करने के लिए आप उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे. ओके, E1, E2, E3, आप इसके ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसको कॉल कर सकते हैं. ओके, यानी अगर आपने स्ट्रक्चर के अंदर, स्ट्रक्चर की बॉडी के अंदर जो वेरिएबल बनाए हुए हैं उनको आपको अलग से मेन में बनाने की जरूरत नहीं है, वो आप कॉल कर लोगे बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर. ओके, अब इन्हीं चीजों को अगर हम प्रोग्राम के थ्रू अगर देखें, तो एक प्रोग्राम मैंने बनाया हुआ है, एक प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं. पहले एक थोड़ा सिंपल प्रोग्राम देखें, फिर आते हैं इस पे. जैसे ये प्रोग्राम मैंने बनाया हुआ है नॉर्मली एक फैक्टोरियल के रिजल्ट को डिस्प्ले कराने के लिए. ओके, फैक्टोरियल आपको शो करना है किसी नंबर का, तो स्ट्रक्ट फैक्ट, ये आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है. इसके अंदर एक डेटा टाइप पास है इंट नम, इंटीजर टाइप का नम. ओके, और ये इसका ऑब्जेक्ट है एन. ओके, यानी आप नम को यूज करोगे मेन में बाय यूजिंग एन. मेन में आते हैं इंट आई, एफ इज इक्वल टू वन, आई लूप के लिए लिया हुआ है, एफ इज इक्वल टू वन फैक्टोरियल की वैल्यू को रन करा के स्टोर करने के लिए लिया हुआ है, जैसे नॉर्मली फैक्टोरियल में हम करते हैं. ओके, नाउ प्रिंट, यूजर से वैल्यू लेते हैं, एंटर नंबर, परसेंटाइल डी, एम्परसेंड एन डॉट नम, यानी आप नम को यूज कर रहे हो बाय यूजिंग एन ऑब्जेक्ट. ओके, आई इज इक्वल टू वन, आई लेस देन एन डॉट नम, आई प्लस प्लस, एफ इज इक्वल टू एफ इन टू आई, जो नॉर्मल फीचर होता है फैक्टोरियल के प्रोग्राम को रन कराने का. ओके, अब प्रोग्राम को कंपाइल कराते हैं, कंपाइल किया, नो प्रॉब्लम. अब इसको रन कराते हैं, दिस एंटर नंबर, नंबर मैंने प्रोवाइड किया 5, रिजल्ट इज 120. ओके, यहां पर मैंने स्ट्रक्चर के अंदर एक ही डेटा टाइप दिया हुआ है इंटीजर टाइप का. ओके, नॉर्मली बिल्कुल स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए. अब अगर हम एक से अधिक डेटा टाइप देना चाहते हैं तो उसके लिए एक और प्रोग्राम देखते हैं, एक और एग्जांपल हम देखते हैं. यहां देखिए, ये दूसरा एग्जांपल है स्ट्रक्चर का, स्ट्रक्ट ईएमपी. मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ईएमपी नाम का. ओके, जिसके अंदर मैंने तीन डेटा टाइप यूज किए हुए हैं, इंट आईडी, कैर नेम और फ्लोट सेट, यानी एक इंटीजर टाइप, एक स्ट्रिंग टाइप और एक फ्लोट टाइप. ओके, यानी ये एक एम्प्लॉय की आईडी, उसका नाम और उसकी सैलरी मुझे स्टोर करना है. ओके, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट, दीज आर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स हैं E1, E2. E1, E2 ये बताता है कि आप इन सारी वैल्यूज को यूज करोगे फॉर टू इम्प्लॉयज, आप दो इम्प्लॉय के लिए लेंगे, और दोनों इम्प्लॉय के लिए मैंने E1 और E2 लिया हुआ है. ओके, मेन में आते हैं. सबसे पहले प्रोवाइडिंग वैल्यू ऑफ फर्स्ट इम्प्लॉय, अब हम पहले इम्प्लॉय की वैल्यू को प्रोवाइड करते हैं, तो E1.ID 101, मैंने पहले इम्प्लॉय की आईडी प्रोवाइड कर दी 101. ओके, देन आफ्टर strcpy, ये strcpy कॉपी का एक फंक्शन है स्ट्रिंग के अंदर, ये आप लोग को पता होगा. E1.name, हम नेम प्रोवाइड कर रहे हैं अमित कुमार. E1.sal, सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं 1000. ओके, अब दूसरे इम्प्लॉय का डेटा E2.id 102, strcpy, यहाँ पर क्या प्रोवाइड कर रहे हैं हम, मोहित कुमार. दूसरे इम्प्लॉय का नाम मैंने दे दिया मोहित कुमार, और E2.sal, उसकी सैलरी मैंने दे दी 2000. अब यहाँ पर मैंने दोनों इम्प्लॉयज के तीन तीन एट्रीब्यूट या तीन तीन वैल्यूज मैंने प्रोवाइड कर दी, उनका डेटा प्रोवाइड कर दिया. अब हम दोनों इम्प्लॉयज की डेटा को प्रिंट करा रहे हैं. प्रिंट अप एम्प्लॉय वन आई डी, परसेंटाइल डी, E1.id, पहले एम्प्लॉय की आई डी, देन उसका नाम E1.name, परसेंटाइल एस क्योंकि स्ट्रिंग टाइप का है, देन सैलरी उसकी परसेंटाइल एफ फ्लोट टाइप का है E1.sal. ये पहले एम्प्लॉय का डेटा प्रिंट हुआ. फिर दूसरे का
आईडी ई टू डॉट आईडी, नेम ई टू डॉट नेम और सैलरी ई टू डॉट सैलरी। ओके नाउ अब इस प्रोग्राम को कंपाइल कराते हैं, कंपाइल किया नो प्रॉब्लम, देन अब इसको रन कराते हैं, रन यस। एम्प्लॉय वन आईडी 101, नेम अमित कुमार, सैलरी 1000.00 क्योंकि फ्लोट टाइप है। एम्प्लॉय टू आईडी 102, एम्प्लॉय टू नेम मोहित कुमार, एम्प्लॉय टू सैलरी 2000.00 क्यों, क्योंकि फ्लोट टाइप वैल्यू दी हुई है। ओके तो आई होप ये प्रोग्राम सबको क्लियर होगा। आप इसमें और चीजें ऐड कर सकते हैं, सच एज आप दो मैंने दिया हुआ है, आप चार एम्प्लॉय का डेटा प्रोवाइड करो, आप उनकी उनका डेजिग्नेशन बताओ, उनका एड्रेस बताओ, उनका डेट ऑफ बर्थ बताओ। ओके आप वैल्यू को बढ़ाओ। ओके इसके अलावा आप इसमें स्टूडेंट का डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं, स्टूडेंट का रोल नंबर, उसके मार्क्स, उसके उसका नाम, फादर नेम, मदर नेम आप इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके तो इन सब के बेसिस पे स्ट्रक्चर जो है वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है सी में। ओके अब इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रक्चर का और कैसे यूज करें और उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे, देन आफ्टर यूनियन पर आएंगे और दोनों में कंपैरिजन देखेंगे। ओके आई होप ये चीजें आपको क्लियर होंगी। इसमें अगर आपको कोई और प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, और कौन कौन सी चीजें रिक्वायर्ड है, जहां पे आपको डाउट अगर हुआ हो तो आप मुझे बताएं, मैं उसको करेक्ट करके आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। ओके सो आई होप इतना सबको क्लियर होगा। थैंक यू।